हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी एमसीक्यू सीरीज की पार्ट टू वीडियो है। आपको अगर पहली वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक ओपन करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी। और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द प्लैंक्स इफ थ्री पीसेज ऑफ टिम्बर 42 मीटर, 49 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ। ऑप्शन हैं आपके 5, 6, 7 एंड नन ऑफ दिस। तो चूँकि यहाँ पे कह रहा है व्हाट विल बी द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स, चूँकि लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स आपको निकालना है, तो आपको जो जो डिवाइड करेंगे आप वो मैक्सिमम उसकी लेंथ होनी चाहिए। चूँकि मैक्सिमम लेंथ का निकालना है तो इसीलिए हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए, इसीलिए हम इसका एच सी एफ लेंगे। तो लेंथ ऑफ प्लैंक निकालने के लिए एच सी एफ ऑफ 42, 49, 63 जैसा कि क्वेश्चन में दिखाया गया है तो हम एच सी एफ लेंगे। और एच सी एफ हमारा है 7, 7 इन तीनों में कॉमन मल्टीपल फैक्टर है। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स कैसे निकलेगा, आप 42 में 7 से डिवाइड कर दीजिए, 49 में 7 से एंड 63 में 7 से। तो डिवाइड करने पे आया है 679, सबको ऐड कर देंगे तो आएगा 22, यानी कि हमारे नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने हो जाएंगे, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। तो यहाँ पे चूँकि ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड पूछ रहा है, हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड पूछ रहा है, तो इसलिए हम इसका एच सी एफ लेंगे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप हाईएस्ट स्पीड निकालने के लिए आप एच सी एफ ले लीजिए 52 एंड 91 का। और इसका एच सी एफ चूँकि 13 आ रहा है तो 13 मीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री रनर्स रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रेस कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इन 2, 3 एंड 4 आवर्स रिस्पेक्टिवली, दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर। चूँकि कल भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे कि अगर कोई 3 बेल 4 बेल जो है एक बार इस टाइम पे बीप एक साथ कर रही है तो नेक्स्ट कितने समय बाद वो एक साथ बीप करेगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमने कल ही बताया था कि आप इसमें एलसीएम ले लिया कीजिएगा, तो इसमें भी सिर्फ आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 का जब आप एलसीएम लेंगे तो चूँकि 2 पहला नंबर है तो आप 2 लिख लीजिए, 2 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 ही रहेगा और 3 का भी निकालेंगे तो 3 ही रहेगा। 4 का चूँकि 2 × 2 होता है और ऑलरेडी इसमें एक जगह 2 पहले से इंक्लूड है तो फिर मैंने एक और बस 2 लिख दिया है, 2 × 2 = 4। इस तरह से एलसीएम आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आवर्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नेचुरल नंबर्स हुज डिफरेंस इज 66 एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 360 आर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप ऑप्शंस वाइज चेक कर लीजिए कि जिसका डिफरेंस जो है वो 66 है और लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट मीन्स एलसीएम इज 360 है। तो बाय ऑप्शन चेक कर लीजिए कि पहला ऑप्शन है आपका 120 एंड 54, इनका डिफरेंस तो 66 है बट इनका एलसीएम 360 के बराबर नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन नहीं आएगा आंसर। अगला ऑप्शन है आपका 90 एंड 24, तो 90 एंड 24 का डिफरेंस भी 66 है और एलसीएम लेने पे भी 360 आ जा रहा है, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स हुज लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 78 एंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर इज 13 आर। तो यहाँ पे देखिए कि पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स पूछ रहा है और जिसका एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका 78 दिया हुआ है एंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर दैट मीन्स एच सी एफ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर दैट मीन्स एच सी एफ। तो एच सी एफ है आपका 13 दिया हुआ है, तो मैं पूछ रहा है कि ऐसे कितने पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे चूँकि एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि जो नंबर्स होते हैं, जो हमारे जिन नंबर का हम एच सी एफ निकालते हैं वो नंबर उस एच सी एफ के ही मल्टीपल चूँकि होते हैं, ग्रेटेस्ट मल्टीपल होते हैं, तो वो मतलब एच सी एफ के एच सी एफ से डिवाइड होंगे, तो इसलिए हम जो नंबर्स मानेंगे वो एच सी एफ के ही मल्टीपल को मानते हैं। तो चलिए यहाँ हम लोग सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे हम लोग नंबर्स मान लेंगे, चूँकि एच सी एफ हमारा 13 है तो नंबर्स हो जाएंगे 13x और 13y। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एल सी एम इंटू एच सी एफ, तो इसीलिए 13x
और 13y का जो प्रोडक्ट होगा वो SCF एंड LCM के मल्टीपल के बराबर होगा, यानी 78 मल्टीप्लाई 13 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे कट करने के बाद हमारा डिवाइड कर लेने के बाद सॉल्व करने के बाद हमारा XY इज इक्वल टू 6 आ रहा है, वेयर X एंड Y आर को प्राइम नंबर्स हैं। तो को प्राइम नंबर्स है तो आप ऐसा सोचिए कि X और Y के ऐसे पेयर्स बनाइए जो आपस में को प्राइम हो और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहे हों। तो XY के अगर हम X इक्वल टू 1 लेते हैं तो हमारा Y इक्वल टू ऑटोमेटिक 6 आ जाएगा, तभी मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा। और दूसरा कि अगर हम X इक्वल टू 2 लेते हैं तो हमारा Y 3 आएगा। और नोटिस करने वाली बात ये है कि 1 और 6 भी को प्राइम नंबर हैं और 2 और 3 भी को प्राइम नंबर हैं। याद रखिएगा कि हमेशा जो पेयर्स जो लेंगे वो को प्राइम ही आने चाहिए, है ना। इसमें तो यहाँ पे ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं। तो एक्स और वाई का वैल्यू या तो 1 6 होगा या 6 1 होगा, या फिर एक्स वाई की वैल्यू 2 3 होगा या 3 2 होगा। तो हमारा नंबर कौन कौन सा हो जाएगा, क्योंकि हमने नंबर ऊपर मान रखा है 13x और 13y माना है हमने अपना नंबर। तो हमारा अगर हम एक्स इक्वल टू 1 लेते हैं तो हमारा जो पेयर आएगा वो 13 और 78 का आएगा। अगर 1 6 लेते हैं तो एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 6, तो हमारे नंबर्स आएंगे 13 और 78। और अगर हम XY इक्वल टू 2 और 3 मानते हैं तो हमारे नंबर्स आ जाएंगे 26 एंड 39। ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 28 एंड 32 लीव्स रिमाइंडर्स 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 28 एंड 32 लीव्स रिमाइंडर्स 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखिए कि जो रिमाइंडर बच रहा है, अगर 28 से डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर बच रहा है, अगर हम 28 में से 8 माइनस कर दें तो हमारा बच रहा है 20। अगर और 32 से डिवाइड करने पर 12 बच रहा है, अगर हम 32 में से 12 माइनस करते हैं फिर भी 20 आ रहा है। तो चूँकि यहाँ पर डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि 28 और 32 का LCM ले लेंगे। LCM लेने के बाद हमारा LCM आया है 224। अब चूँकि सेम जो हमारा यहाँ पे जो सेम डिफरेंस आ रहा था, सेम डिफरेंस हमारा 20 का आ रहा था, तो हम 224 में से 20 को माइनस कर देंगे तो हमारा वो स्मॉलेस्ट नंबर निकल आएगा, है ना। तो 224 में से 20 माइनस करने पर 204 ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन इंक्रीज बाई 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई बोथ 468 एंड 520। कह रहा है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए जिसमें अगर 17 जोड़ दिया जाए, 17 या बढ़ा दिया जाए, तो वो 468 एंड 520 से ये डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो वो हमें नंबर चाहिए जो 468 और 520 से डिवाइड हो जाए। डिवाइड होने के बाद हम अगर 17 लेस कर देंगे तो वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, है ना। तो चूँकि स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो हमें पहले तो 468 एंड 520 का LCM लेना होगा। हम LCM लेंगे और LCM लेने के बाद हमारा आया है 4680। अब चूँकि हमें चाहिए कि जब हम इस नंबर को 17 बढ़ाएं तब जाके ये डिविजिबल हो, है ना। तो 17 बढ़ाने के लिए हमें वो नंबर कैसे पता चलेगा, जब हम 17 उसको लेस कर देंगे। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा LCM आया है उसमें 17 लेस कर देंगे तो वो हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा, जिसे 17 बढ़ाने पर वो 468 एंड 520 से भी डिविजिबल हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट व्हेन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। वही कह रहा है कि ऐसा नंबर निकालिए चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15 से डिविजिबल हो जाए, 24 से भी हो जाए एंड 36 से भी हो जाए। तो सबसे पहले तो आप LCM ले लीजिए 15, 24 एंड 36 का। LCM लेने के बाद हमारा LCM आया है 360, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट जो होता है वो 9999 होता है, और चूँकि 360 से डिविजिबल होना चाहिए तो 360 से डिवाइड दे देंगे। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 279 बच रहा है। अगर हम इसी रिमाइंडर को माइनस कर दें
तो जो नंबर आएगा वो 360 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, और 360 से कम्प्लीटली डिविजिबल होने का मतलब है कि वो नंबर 15 से भी डिविजिबल होगा, 24 से भी डिविजिबल होगा एंड 36 से भी डिविजिबल होगा। बस हमें क्या करना है कि इसमें से 279 को माइनस कर देना है। जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आ रहा है 9720। तो ये जो हमारा नंबर है वो 15 से भी डिविजिबल है, 24 से भी डिविजिबल है एंड 36 से भी डिविजिबल है, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर विच वेन डिवाइड बाई 4, 7 एंड 13 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले जैसा ही है कि आप सीधे 4, 7 और 13 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद जो आपका नंबर आएगा उसे फोर ग्रेटेस्ट फोर डिजिट का जो नंबर होता है 9999 उसे डिवाइड करके देखिए, और जो रिमाइंडर आएगा उसे माइनस करके आपका जो नंबर आपका नंबर आ जाएगा जो 4 से भी डिविजिबल होगा, 7 से भी और 13 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या लगा रखी है कि लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। तो लीव्स अ रिमाइंडर, वो चूंकि ये नंबर जो हमारा जो आ रहा है वो डिविजिबल है, ये नंबर जो हमारा डिविजिबल है और हमें रिमाइंडर 3 बचाना है बस, तो हमें क्या करना है कि बस 3 इसमें ऐड कर देना है। चूँकि 9828 जो हमारा यहाँ पे नंबर आ रहा है ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है और हमें चूँकि 3 रिमाइंडर बस बचाना है तो इसमें क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5, 6, 4 एंड 3। द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5, 6, 4 एंड 3। तो चूंकि 5, 6, 4 एंड 3 सबसे डिविजिबल होना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हमारा 5, 6, 4, 3 का कितना आ जाएगा, 60। 5 का 5 लिख दिया, 6 को का 6 के फैक्टर लिख दिए हैं, 3 इंटू 2 होता है 4 का फैक्टर, तो ऑलरेडी हमारे पास 1, 2 था तो बस 1, 2 और लिख दिया और 3 इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो अब मल्टीप्लाई करके आप एलसीएम निकल जाएगा 60। अब चूंकि कह रहा है कि कौन सा ऐसा लिस्ट नंबर 2497 में ऐड करें कि वो नंबर 60 से डिविजिबल हो जाए, तो हम 2497 के अप्रॉक्स में चलते हैं कि 60 का मल्टीपल 2400 भी होता है, 2400 भी होता है। तो अगर हम 60 में 40 से मल्टीप्लाई करें तब हमें अप्रॉक्स ये 2400 मिल जाएगा, लेकिन अगर हम 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2520, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि 2497 में कितना ऐड करें कि वो 60 का मल्टीपल निकले, तो हमने ऐसे अप्रॉक्स मतलब कैलकुलेट करके 42 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया है 2520 जो 60 से डिविजिबल होगा। लेकिन कह रहा है ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर ऐड करना है 2497 में कि वो 60 से डिविजिबल हो, तो चूँकि 2520 हमारा 60 से डिविजिबल है तो इसलिए हम इसमें से 2497 को माइनस कर देंगे तो 23, यानी कि 2497 में 23 को प्लस करेंगे तो हमारा 2520 आ जाएगा जो कि 60 से डिविजिबल होगा, यानी कि 23 ऐसा लिस्ट नंबर है जिसे ऐड करने पे वो 5 से भी डिविजिबल होगा, 6 से भी, 4 से भी एंड 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो जब भी ऐसे सेम रिमाइंडर जैसे का क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसा कीजिए कि 43 एंड 91 एंड 83 ये तीनों का आपस में डिफरेंस निकाल लीजिए, और तीनों का जो डिफरेंस आएगा उसका एचसीएफ निकाल लीजिए, है ना। तो सबसे पहले 43, 91 एंड 183 इसका हर एक का डिफरेंस निकालिए। तो जब हम डिफरेंस 43 और 91 का निकालेंगे तो 48 आ रहा है, एंड 183 और 91 का डिफरेंस 92 एंड 183 और 43 का डिफरेंस 140। अब जो ये डिफरेंस आ रहा है उसका एचसीएफ ले लीजिए, है ना। तो इसका एचसीएफ लेने के बाद हमारा एचसीएफ 4 आ रहा है, तो आपका जो रिमाइंडर जो सेम बचेगा वो 4 आएगा, है ना। नेक्स्ट, फाइंड द लीस्ट नंबर
विच वन डिवाइडेड बाई 20, 25, 35 एंड 40 लीव्स रिमाइंडर्स 14, 19, 29 एंड 34 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं पहले कि डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं। तो 20 में से अगर 14 माइनस करते हैं तो 6, 25 में से 19 माइनस करेंगे तो तब भी डिफरेंस 6 आ रहा है ना। 35 और 29 का डिफरेंस 6 आ रहा है, 40 एंड 34 का डिफरेंस 6 आ रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि चूँकि जो रिमाइंडर्स हैं उन्हें उनका और जिसे डिवाइड दिया किया जा रहा है उनका डिफरेंस सेम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 20, 25, 35 एंड 40 जो हमारे नंबर्स हैं उनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद चूँकि देखिए 20 का मैंने फैक्टर किया है 5 इंटू 4, 25 का 5 सब में चूँकि कॉमन था तो सबसे पहले मैंने 5 लिख लिया। अब 5 इंटू 4 कर दिया क्योंकि 20 में से 5 कॉमन लेने के बाद 4 बचेगा। अब 25 में से 5 मैंने ऑलरेडी कॉमन ले लिया था तो अब 5 जो 25 तो एक और 5 मैंने लिख दिया। 5 मैंने ऑलरेडी कॉमन लिया 35 में तो 7 बचेगा तो 7 एक लिख दिया है। 40 में चूँकि 5 मैंने कॉमन लिया था और 8 आएगा और 4 ऑलरेडी एक लिखा हुआ है आगे तो 4 2 जा 8 है ना, तो इसलिए मैंने 2 लिखा है। अब एलसीएम हमारा 1400 आ गया है। अब कह रहा है कि अब हमारा जो डिफरेंस आ रहा था 6 का डिफरेंस आ रहा था सब में, तो हम नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे एलसीएम में से 6 को माइनस कर देंगे। 6 को माइनस करने पे हमारा ये नंबर मिल जाएगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बस इतना ही है। ओके आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू।